हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरवन और आप देख रहे हैं स्टार केन यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइंस के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन हीरोइंस में सबसे ज्यादा फीस किसकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें नंबर एक पर। नंबर एक पर है नित्या मेनम, जिन्हें हमने कई साउथ के फिल्मों में देखे हैं। इनके जोड़ी खास करके नितिन के साथ में ज्यादा जजती है। आपको बता दे दोस्तों, नित्या मेनम इस साल अक्षय कुमार के फिल्मों में निशन मंगल के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी है। अगर बात करें नित्या मेनन की फीस के बारे में, नित्या मेनम एक फिल्म में 90 लाख रुपए चार्ज करती है। वही दोस्तों बात करें नंबर दो की। नंबर दो पर है तमन्ना भाटिया, जिन्होंने बाहुबली जैसी शानदार फिल्मों में काम कर चुकी है और बॉलीवुड में अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ भी कर चुकी है। और अगर बात करें तमन्ना भाटिया के फीस के बारे में, तो दोस्तों तमन्ना भाटिया एक फिल्म में काम करने का चार्ज करती है 90 लाख रुपया। वहीं दोस्तों बात करें नंबर तीन की। नंबर तीन पर है त्रिशा कृष्णन, ने एक बॉलीवुड में भी काम कर चुकी है और उसके साथ थे अक्षय कुमार। उस फिल्म का नाम है खट्टा मीठा। आपको बता दे दोस्तों, ज्यादातर ये तमिल के फिल्मों में ही नजर आते हैं और उनकी फीस है 1 करोड़ रुपए। तो इसके फीस के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों इसका फीस है 1 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात कर नंबर चार पे है रकुल प्रीत सिंह, इन्होंने बॉलीवुड में भी एक फिल्म की थी जिसका नाम था यारियां, और भी इनका बॉलीवुड या टॉलीवुड में ढेर सारा मूवी है। आपको बता दे दोस्तों, इनकी जोड़ी रामचरण हो या महेश बाबू हो या विजय सर हो, ये सभी के साथ में बढ़िया लगती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में बता दे, और अगर बात करें दोस्तों राकुल प्रीत सिंह के फीस के बारे में, तो राकुल प्रीत सिंह चार्ज करती है एक फिल्म के 1 करोड़ 10 लाख। वहीं दोस्तों बात करें नंबर पाँच की, तो नंबर पाँच पे आती है कमल हासन के सुपुत्री यानी कि श्रुति हासन, जिन्होंने भी बॉलीवुड के फिल्म में काम किया है जिनका नाम है गब्बर, इज बैक खास मानी जाती है। आपको बता दे दोस्तों, इन्हें टॉलीवुड में सबसे ज्यादा काम मिलता है, तो इनकी जोड़ी को रामचरण हो या अल्लू अर्जुन हो, सभी के साथ में ये फिट हो जाती है। अगर बात करें श्रुति हसन के फीस के बारे में, तो ये चार्ज करती है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। है कृति सुरेश, जी हाँ दोस्तों, हिंदी फिल्म के सबसे पहली हीरोइन है जो बॉडी शो ऑफ नहीं करती, उसके बावजूद भी इसके फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी कामयाब रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, आज तक ये हीरोइन किसी भी फिल्मों में बॉडी शो ऑफ नहीं की है, उसके बाद भी इनके फिल्में सुपर डुपर होती रहती है। और साथ ही साथ बता दे दोस्तों, कृति सूरज इस साल बॉलीवुड में भी एंट्री करने वाले है अजय देवगन के साथ। अगर बात करें कृति सूरज की फीस के बारे में, तो कृति सूरज का फीस है तो ये 1 करोड़ 50 लाख रुपए चार्ज करती है। वहीं दोस्तों बात करें काजल अग्रवाल, जी हाँ दोस्तों, टॉलीवुड बॉलीवुड या कॉलीवुड, ये तीनों इंडस्ट्री में बराबर काम करने वाली ये काजल अग्रवाल है। इन्होंने बॉलीवुड में तो अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ, इस साउथ में भी इनके फिल्में बड़े बड़े हीरोज के साथ आते हैं, फिर चाहे वो अजीत कुमार हो या फिर चाहे वो विजय सर हो या फिर अल्लू अर्जुन हो या नागा अर्जुन हो या चिरंजीवी हो, सभी के साथ इनकी जोड़ी फिट लगती है। अगर बात करें दोस्तों काजल अग्रवाल के फीस के बारे में, तो इन्होंने चार्ज करती है 2 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात है समंता अक्खी नैनी, जिसका पुराना नाम था सामंता रूप प्रभु। आपको बता दे, सामंता रूप प्रभु बॉलीवुड या टॉलीवुड यानी तमिल और तेलुगु दोनों फिल्मों में ये काम करती है, ये बड़े बड़े हीरोज के साथ काम कर चुकी है। बात करें हम सामंता के फीस के बारे में, तो दोस्तों इसका फीस है 2 करोड़ 20 लाख रुपए। वही दोस्तों बात नयन तारा मैम, जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ साल पहले ये नंबर वन पर थी, आज के टाइम में लेडीज सुपरस्टार नंबर दो पर हैं। अगर बात करें दोस्तों नयन तारा मैम की फीस के बबारे में, तो फीस चार्ज करती है 3 करोड़ रुपए, और ये साउथ इंडस्ट्री के दूसरी ऐसी महंगी हीरोइन है। वहीं दोस्तों बात करना है देव सेना, जी हाँ दोस्त, यानी कि दोस्तों हमारी अनुष्का शेट्टी, बाहुबली 2 के बाद अनुष्का शेट्टी का रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है और आज के टाइम में बॉलीवुड या टॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस बता रही है। अगर दोस्तों बात करें अनुष्का शेट्टी के फीस के बारे में, तो ये चार्ज करती है 4 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में काफी ज्यादा महंगाई हीरोइन है बॉलीवुड या
बॉलीवुड में अनुष्का शेट्टी सबसे ज्यादा महंगाई हीरोइन इनको मानी। तो ये थी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगी हीरोइन जिन्होंने सबसे ज्यादा फीस चार्ज करती हैं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों की सबसे फेवरेट हीरोइन कौन सी है। और हाँ, और साथ ही साथ बॉलीवुड या टॉलीवुड कोई भी न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को बजा दे ताकि इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।